आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, स्क्रीन भी देख पा रहे हैं। हम अपने सेशन को 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। उसकी रीजन ये है कि कुछ लोग हमें और अभी ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस भी आता है। तो मेरे पास तो यहाँ पे 12 बज गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके टाइम 2-4-5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो हम 5 से 7 मिनट का क्वेश्चन रखते हैं, तो लेट्स जस्ट वेट फॉर देम। हम फिर भी स्टार्ट कर देंगे, 12:06 पे विल स्टार्ट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और हमने 4-5 मिनट लोगों का वेट भी कर लिया, कुछ लोगों ने हमें और भी ज्वाइन कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता हमें अगर ज्वाइन करते रहेंगे। लेकिन अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। और आज का सेशन जो है इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी, लेकिन वो जैसे आप अक्सर मूवीज में देखते हैं ना कि वो होती है ट्रू बेस्ड स्टोरीज या रियलिटी बेस्ड होती हैं, तो इट इज काइंड ऑफ रियलिटी बेस्ड ट्रेनिंग टूडे जो आज हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स अ स्टोरी। बेसिकली दो लोगों की कहानी है। इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि ओरिफ्लेम में फॉलो करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वंस अगेन अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक छोटी सी दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता करे दुनिया में और आखिरत में, और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो स्टोरी है, जो ट्रेनिंग नहीं, मैं इसको स्टोरी कह रहा हूँ, ये आज की जो स्टोरी है इसके अंदर हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि फॉलो करके आप ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि ओरिफ्लेम में बेतहाशा लोग उसको ज्वाइन करते हैं किसी होप से, कोई ख्वाब होता है उनका, कोई गोल होता है जिससे जोन सा है वो स्टार्ट करते हैं ओरिफ्लेम में बिजनेस को। कुछ लोग आपने देखा होगा एकदम ग्रो कर जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली कामयाब उस हद तक नहीं हो सकते जिस हद तक वो होना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हम ओरिफ्लेम की प्रैक्टिसेस वाइज इसको देखते हैं कि इसमें फर्क क्या है कि एक शख्स कामयाब हो रहा है ओरिफ्लेम के सिस्टम में और दूसरा नहीं हो रहा, वजह क्या है इसकी। तो ये आज की जो हमारी स्टोरी है इसके अंदर हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है, इन दो शख्सों में क्या फर्क होता है, इन दो कंसल्टेंट्स में, ब्रांड पार्टनर्स में क्या फर्क होता है, क्या ऐसा मुख्तलिफ चीज होती है जिससे एक कामयाब हो जाता है और दूसरा कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, इन चीजों को आज की हम ट्रेनिंग और स्टोरी के अंदर देखेंगे। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइम आपको एक स्केच नजर आ रहा है। इस स्केच में मुख्तलिफ चीजें हैं, एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है अगर आप गौर से देखें, एक छोटा सा घर है, फिर कुछ बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी शायद को डिग्री कंप्लीट हुई है। ठीक है, फिर बहुत अच्छा सा मौसम है जिसमें बादल भी नजर आ रहे हैं, सूरज भी निकला हुआ है, ऊपर से एक प्लेन भी गुजर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपके मुख्तलिफ ख्वाबों को रिफ्लेक्ट करती हैं। लोग इसी तरह के ख्वाब देखते हैं, किसी का ख्वाब होता है घर बनाना, कोई बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता है, उनका बेहतर कैरियर चाहता है, उनके लिए एक जबरदस्त स्टेबल बिजनेस चाहते हैं लोग। ठीक है, और इसी तरह कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है इंटरनेशनल, कुछ लोगों को मौसम एंजॉय करने का बहुत शौक होता है। जैसे कि आपको पता है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मौसम भी मुख्तलिफ होता है, तो यानी कि होती है मट्टी की खुशबू भी डिफरेंट होती है। आई एम श्योर आप लोगों ने जो सी हम कहते हैं मट्टी की खुशबू, आपने उसको कभी महसूस किया होगा, लेकिन अगर आप दुनिया खुदा ने बनाई है, हर जगह पे आपको डिफरेंट फीलिंग आती है। ठीक इसी तरह के लोगों के ख्वाब होते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के भी। ठीक है, तो ये जो स्केच है ये लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तरह का कुछ एक ख्वाब, कुछ ख्वाब देखा, इन्होंने चाहा कि ये ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होके अपने ख्वाब कर सके, उनका जो गोल है लाइफ में वो उसको अचीव कर सके। अब इनका जो गोल था वो क्या था उसकी डिटेल, लेकिन चलो तकरीबन एक ही जितनी पढ़ी लिखी थी, एक ही तरह का इनका आईक्यू लेवल था, आप समझ लें इनका जीपीए था यूनिवर्सिटी में। लेकिन इन्होंने जब ओरिफ्लेम के बारे में सुना और इनको पता चला कि ओरिफ्लेम ख्वाबों को पूरा करता है और कोई भी ख्वाब इसके साथ कनेक्ट होकर पूरा किया जा सकता है, तो इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपनी रिसर्च करने के बाद सिलेक्ट किया कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। ठीक है, और अपना कैरियर बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने
2017 जनवरी में ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर लिया एज अ ब्रांड पार्टनर। फिर क्या हुआ जी, फिर ये हुआ कि इन्होंने कुछ अपने मकसद, ऑफ कोर्स इनका ख्वाब था, तो इनका ख्वाब था कि ये कैरियर में आगे जाएं, ठीक है, सक्सेसफुल हों, ज्यादा से ज्यादा कैरियर में नए टाइटल्स हासिल करें, कैरियर बनाए, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट की थी इन्होंने। दूसरा इनका एक और ख्वाब था, इनका मकसद था कॉन्फ्रेंसेस या इंटरनेट, ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, तो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट ये भी था। और तीसरा इनका ऑफ कोर्स पैसे था, कि आपको पता है हर जरूरत आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे के साथ जुड़ी होती है, तो दोनों के गोल्स भी सेम, एजुकेशन भी सेम, दोस्त भी बहुत अच्छी, और इनके मकासिद भी सेम, कि ये कॉन्फ्रेंसेस, टाइटल्स और पैसा अर्न करना चाहती थी। ये तीन चीजें इन्होंने ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पे, इन पे फोकस किया। लेकिन हुआ क्या, सफर का आगाज तो उन्होंने एक साथ किया, कुछ अरसा गुजरने के बाद सबा जोनसी है उनकी इनकम 21,188 होनी शुरू होगी मंथली, कमीशन जो आपका चेक आता है, इनका 21,188 का चेक आना शुरू हो गया तकरीबन। और जो किरण थी 1,00,000 रुपए को क्रॉस कर गई। मैनेजर बन गई, जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं किरण की, तो किरण इतने ही अरसे के अंदर सीनियर मैनेजर बन गई, सबा ने मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई कर लिया, जबकि ऑन द अदर हैंड जो किरण मैनेजर सेमिनार को भी क्वालिफाई कर लिया, वो कैश अवार्ड के ट्रैक पे भी आ गई, साथ साथ अब देखिएगा ये दोनों दोस्त हैं, एक साथ सफर का आगाज किया, एक ही मकसद है, एक 21,000-1,00,000 की इनकम क्रॉस कर जाता, दूसरा एक 12% पे है जबकि दूसरा 21% पे पहुंच गया। तो मैनेजर सेमिनार जब सबा ने क्वालिफाई किया, किरण ने जोन सा वो डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई कर दिया, ठीक है, और मैनेजर सेमिनार ऐसा क्या डिफरेंट इन्होंने किया, ऐसा क्या मुख्तलिफ इन्होंने किया कि एक शख्स 1,00,000 की इनकम को पहुंच गया और दूसरा भी 21,000 पे पहुंच गया। व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा मुख्तलिफ क्या किया होगा कि सीनियर मैनेजर एक बन गया और दूसरा अभी तक जोन्स है वो मैनेजर टाइटल पे बैठा हुआ है, जबकि दोनों के इन्होंने ओरिफ्लेम की कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया। दिस इज व्हाट आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या इन्होंने किया हो? आपने भी ऐसे केसेस अपने यहाँ पे ओरिफ्लेम के कल्चर में देखे होंगे कि बहुत से लोग बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते, यानी कि और वो कामयाब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? Why do you think ऐसा होता है? मैं I want you to tell me कि ये चीज जो है ना, ये आपको खाली ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ये आपको हर जगह पे मिलेगी। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनको उस लेवल का सक्सेस नहीं मिलता जिस तरह का दूसरे लोग उसे कम एफर्ट करके ले जाते हैं सक्सेस। Why do you think? I want you to explore the reason. I want you to type in the chat. मैं चाहता हूँ कि आप चैट में टाइप करके मुझे अपनी फाइंडिंग्स बताएं। Let's just leave Oriflame for a minute. हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। नॉर्मल लाइफ के अंदर लोग, कुछ लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं कम एफर्ट करके, जबकि दूसरे जो होते हैं वो ज्यादा एफर्ट करके भी इतने कामयाब नहीं हो सकते। इसकी रीजन क्या होती है? मेरे साथ ऐसा ही होता है। लें जी, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है मैम मारिया की, वो कह रही है मेरे साथ ऐसा ही होता। जबरदस्त जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम गजाला। तो आई वॉन्ट यू टू टाइप इन द चैट, अगर आपने आके अपने माइक को अनम्यूट करना है, आप अनम्यूट करके भी बात कर लें। चलिए मैं आपका यहाँ से ऑप्शन को अलाउ कर रहा हूँ, मैंने कहा शोर ना, इसलिए मैंने इसको जरा म्यूट पे कर दिया था। तो आप अगर कुछ ऐड करना चाहें, आप अनम्यूट करके भी ऐड कर सकते हैं। व्हाई डू यू थिंक? वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोग इतने ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं लाइफ में और दूसरे इतने कोशिश करने के बावजूद इतने कामयाब क्यों नहीं होते, इसकी रीजन क्या है? जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जी, राइट वे में पॉजिटिवली चीजों को सीखना सोच से ट्रिगर होता है। मेरे पास कुछ आंसर्स इसके आ नहीं रहे ज्यादा,
एग्जाम्पल आ गई है हमारे पास लेकिन आंसर नहीं आ रहे। वंस अगेन अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ में बहुत से लोग कम स्ट्रगल करके बहुत कामयाब हो जाते हैं और बहुत से लोग बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी इतने कामयाब नहीं होते जितने दूसरे लोग कामयाब हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है जी, मैम सबिया ने लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यू मेंबर, मुझे मुश्किल से मिल रहे हैं ऑर्डर, मेरे साथ ये मसला हो रहा है। जी मसला यहाँ पे भी नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन अभी मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दें। तरीका सही होना चाहिए सर। अच्छा, ये आपने जो बात कर दी है ना मैम शान से तरीके की, दैट इज एब्सोल्यूटली कि तरीका ऑफ कोर्स। जी जी बोलिएगा, कोई बोलना चाह रहा है? अच्छा ये मेरे ख्याल से गलती से माइक अनम्यूट हुआ। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। अपना पेशाब ले जाना, मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है कि आपका माइक अनम्यूट हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, हम मैं इसका आपके माइक्स को म्यूट करता हूँ सबके दोबारा, और हम चलते हैं आगे ट्रेनिंग की तरफ। जी लेट मी टेल यू कि क्या चीजें होती हैं, और फिर हम आगे चल के देखेंगे इन दोनों ने मुख्तलिफ क्या किया कि कामयाब हो गई और दूसरी जो उनसे वो स्ट्रगलिंग में रह गई। सबसे पहले लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ, रियल ग्राउंड के ऊपर। आपने देखा बहुत से लोग कामयाब होते हैं, बहुत से नहीं होते, और एफर्ट्स भी सेम या ज्यादा होती हैं कुछ लोगों की। सबसे पहली चीज, यू नीड टू नो द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जब आप कोशिश करते हैं ना, तो आपको आंखें बंद करके कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं क्या वो डायरेक्शन ठीक है या नहीं है, और आपकी मंजिल की तरफ आपको लेके जा रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको एक्स वाई जी, फॉर एग्जाम्पल आप ओरिफ्लेम में कामयाब होना चाह रहे हो और आप मेहनत कर रहे हैं। लेट्स से आपने घर में जो उनसे सफाई करनी शुरू कर दी है, घर की चीजों को क्लीन करना शुरू कर दिया है, और आप नया फर्नीचर लाना शुरू कर दिया, और आपने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी, आपने कमरे शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। अब आप लोग जो उनसे हैं वो राइट वे में डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज डू नॉट अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ, डू नॉट थिंक के मैं लोगों की बात कर रहा हूँ इस टाइम, मैं आपको एक लर्निंग के तौर पर एग्जाम्पल देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। एक जंगल था, मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, फिर आगे ट्रेनिंग की तरफ हम मूव होंगे, ठीक है जी। अच्छा ये आपके क्वेश्चंस की कैसे होना है, तो स्टे पुट मैं आपको बताता हूँ इस छोटी सी कहानी के बाद। एक जंगल था, उस जंगल में जो है मुख्तलिफ जानवर रहते थे, जैसे जंगल में रहते हैं, और एक वहां पे बात, शेर की तबीयत खराब हो गई, तो सारों को जोन साहब वो परेशानी हो गई कि जो जंगल का बादशाह उसकी तबीयत खराब हो गई है, अब इनका क्या करें हम। तो लोगों ने बड़ा सोचा, आपको पता है जो बंदर होते हैं, जो मंकीज होते हैं, वो बहुत ज्यादा यानी कि सोचने वाले भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं एज कम्पेयर टू मैनी अदर। उन्होंने भी सोचना शुरू किया, उन्होंने बैठ के इकट्ठे फैसला किया कि देखिए जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है वो हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां पे एक डॉक्टर होता है, ठीक है, और वो जो डॉक्टर होता है वो ट्रीटमेंट देता है और मरीज ठीक होके बाहर आ जाता है। वो कहते हैं अच्छा तो ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है, हमारे जंगल में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। शेर लकीली ठीक हो जाता है, जैसे शेर जो जंगल का किंग होता है लॉयन, वो ठीक हो जाता है, वो कहता है हाँ मेरा बच्चा अगर उसकी तबीयत भी खराब होगी, मेरी फैमिली की भी तबीयत खराब होगी, तो यहाँ पे डॉक्टर का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये काम कौन करेगा। तो उसके ऊपर कुछ मंकीज होते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो कहते हैं कि हम सीखेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। वो कहते हैं डॉक्टर बनोगे कैसे, वो कहते हैं हम शहर जाएंगे और वहां पर जाके हम डॉक्टर्स देखेंगे वो क्या करते हैं, और फिर उसके बाद जो उनसे हम यहाँ पे जो भी जरूरत होगी हमारे डॉक्टर जितने भी होंगे यहाँ पे हम उनको फिर ठीक करेंगे। अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई मरीज बन जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, शेर जो होता है जंगल का बादशाह वो अप्रूव कर देता है उनकी रिक्वेस्ट, वो चले जाते हैं शहर सीखने के लिए कि डॉक्टर क्या करते हैं। वो शहर जाते हैं, शहर जाने के बाद जो उनसे वो देखते हैं एक हॉस्पिटल में जाके कि वहां पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मरीज आ रहे हैं और वो ठीक होकर निकल रहे हैं। वो वहां पे बड़ा गौर करते हैं, वो देखते हैं हर बंदा दौड़ लगा रहा है, वहां पे दौड़े लगी हुई हैं, एक इधर से उधर जा रहा है, उस साइड से इस साइड पे जा रहा है, मरीज को स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं,
फिर इमरजेंसी के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, भागते हुए कोई इक्विपमेंट लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दौड़े लगी हुई वो देखते हैं, वो वहां पे जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं, वो कहते हैं हमने काम सीख लिया, हम डॉक्टर बन गए हैं। वो कहते हैं अच्छा चलो, वो वहां पे सेलिब्रेट करते हैं, वो कहते हैं लो जी अब हमारे पास जंगल के अंदर भी डॉक्टर आ गया, किसी की तबीयत खराब होगी तो यही मंकीज है या बंदर है ये इलाज करेंगे, ये डॉक्टर बन गए। कुछ अर्सा गुजरता है, शेर का जो बच्चा होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो कहते हैं लो जी शेर के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। वो डॉक्टर को बुलाते हैं जी, लो जी बंदर आ जाते हैं, वो जो ट्रेनिंग लेके आए होते हैं शहर से वो आ जाते हैं, वो कहते हैं लो जी ये बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। वो कहते हैं अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब जो बंदर होते हैं मंकीज, वो कहते हैं ये जो शेर का बच्चा है इसको इधर लिटा दो, वो दरमियान में उसको ना एक खुला सा मैदान होता है दरख्तों के दरमियान, उसको वहां पे लिटा देते हैं बाकी के एनिमल्स। और जो बंदर होते हैं वो कहते हैं लो जी इलाज शुरू करो। वो जब इलाज शुरू करते हैं वो कहते हैं शेर देखता है बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग मारते हैं, फिर तीसरे पे मारते हैं, फिर वापस एक पे छलांग मारते हैं, वहां पे वो दौड़े लगाते हैं, एक दूसरे दरख्तों के ऊपर छलांगे मारनी शुरू कर देते हैं तेज तेज, क्योंकि उन्होंने यही होते हुए देखा होता है। तो इतनी देर होती है, थोड़ा सा टाइम गुजरता है, तो शेर का जो बच्चा होता है वो और तड़पना शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा, वो और तेज छलांगे मारनी शुरू कर देते हैं, बंदर जो उनसे होते हैं मंकीज, वो और तेज छलांगे मारते हैं। एवेंचुअली क्या होता है, जो शेर का बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो बादशाह कहता है यार ये क्या हुआ है, हमने तो डॉक्टर जो उनसे हैं वो बुलाए थे, वहां से ट्रेनिंग लेके आए, तो ये बच्चा बच्चा क्यों नहीं है। तो आगे से बंदर कहते हैं, वो उनको बुला लेता है बंदरों को और मंकीज को बुलाता है, वो कहता है कि ये क्या हुआ है, तुम लोगों ने इसको बचाया क्यों नहीं। वो कहते हैं बादशाह सलामत, हमने तो बहुत छलांगे लगाई हैं, हमने तो बहुत दौड़े लगाई हैं, लेकिन बस नहीं बच सका। अब बताने का मकसद ये है कि ये वाली दौड़े अगर हम लगाएंगे ना काम सीख के, तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। वी एक्चुअली नीड टू लर्न के गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। तो खाली दौड़े लगाने से, खाली मेहनत करने से फायदा नहीं होता, यू नीड टू नो के काम क्या है, यू नीड टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि आपने किस डायरेक्शन में काम करना है और किस तरह आपको सक्सेस मिलेगा। राइट वे में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खाली दौड़ों से शेर का बच्चा नहीं बचेगा। अच्छा जी, आगे चल के हम देखते हैं कि सबा और किरण ने ऐसा मुख्तलिफ किया क्या था। मैं चाह रहा था आप लोग भी सोचें, आपने डेफिनेटली कुछ चीजें सोची होंगी और आपके माइंड में भी आ गई होंगी, लेकिन आपने मेंशन नहीं की, इट्स फाइन। लेकिन लेट्स सी कि इन्होंने मुख्तलिफ किया क्या था एक्चुअली। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ रही है जी किरण। सबसे पहले हम देखते हैं किरण ने क्या किया था। किरण वो थी जो कामयाब हो गई थी, जिनकी 1,00,000 रुपए की इनकम को पहुंच गई थी। किरण ने क्या किया था, लेट्स जस्ट सी कि किरण ने किया क्या था। किरण ने किया रिक्रूट। रिक्रूट से पहले ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट का सफर स्टार्ट होता है जी आपका कहां से, प्रोस्पेक्टिंग से। बिल्कुल जी, जबरदस्त। आपका रिक्रूटमेंट का सफर स्टार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग से। और वो कहते हैं ओरिफ्लेम में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो यू नीड टू डू 3 things, रिक्रूट, रिक्रूट एंड रिक्रूट। और जब आप रिक्रूट करते हैं तो आपकी टीम बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ता है, नेटवर्क बढ़ता है, बिजनेस ज्यादा होता है और इनकम ज्यादा होती है। तो सबसे पहला काम किया किरण ने, रिक्रूट किया। और आप सबको पता है रिक्रूटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और किरण ने क्या किया, फिर किरण ने काम किया जो लोगों को उसने रिक्रूट किया, लैसे 15 से 20 लोगों को अगर किरण ने रिक्रूट किया, तो उसके बाद किरण ने उनकी फिल्टरेशन शुरू कर दी। किरण ने उनको फिल्टर आउट करना शुरू कर दिया। और फिल्टर आउट कैसे करना शुरू कर दिया किरण ने, कि उसने कुछ लोगों को पिक किया और उन लोगों को अपनी कोर टीम का हिस्सा बना लिया किरण, ठीक है। ये एक किरण ने काम किया आफ्टर रिक्रूटमेंट। फिर किरण ने क्या किया जी, स्क्रीन आपकी थोड़ी सी डिस्पेयर हो गई है, यहाँ पे वापस आते हैं। ये किरण ने की थी प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग के बाद रिक्रूटमेंट, और फिर कोर टीम बनाई किरण ने, यानी कि कुछ लोगों को पिक कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया। सारे अगर 15-20 लोग हैं, उसने 4-5-6 काम करने वाले लोग निकाल लिए जो कि टॉप इंटरेस्ट रखते थे और बहुत टैलेंटेड थे और लाइफ में कुछ करना चाहते थे। फिर किरण ने एक और काम किया, वो ये कि किरण ने उनके ख्वाब सुने और उनके गोल सेट किए। नोट कीजिएगा, किरण ने उनके ख्वाब सुने, अपने अपना जो ऑफर करती हैं किरण वो नहीं बताया, उन्होंने उनके ख्वाब सुने और उन्होंने उनको ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया।
और जैसे ही उन्होंने ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद एक और काम किया उन्होंने, फिर अपनी बाकी की टीम के साथ भी फॉलो अप करना शुरू कर दिया। फॉलो अप कैसे किया? फोन के ऊपर, ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो जो तरीकाकार हो सकते थे उन्होंने फॉलो अप करना शुरू कर दिया। और फॉलो अप का भी तरीकाकार होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। एक और फिर काम हुआ ऑटोमेटिकली, वो क्या काम हुआ? किरण की एफर्ट्स की डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। यानी कि किरण जितनी एफर्ट कर रही थी, वो चार पांच छह लोग जो उन्होंने टीम बनाई थी अपनी, जो हैंड पिक किए थे, लोगों को फिल्टर आउट किया था, उन्होंने किरण की एफर्ट्स को डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने भी चार पांच लोग बनाए, निकाले रिक्रूट से अपने, और उन्होंने उनकी भी कोर टीम बनाई, फिर उनके गोल्स को सेट किया, और फिर उन्होंने फॉलो अप करके उनसे भी डुप्लीकेशन करानी शुरू कर दी। आप यकीन कीजिएगा, अगर इस फॉर्मूले के ऊपर किरण एक साल डेढ़ साल और चलती है, तो किरण प्रोबेबली विल बिकम पाकिस्तानी टॉप नंबर वन लीडर। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका वे है, ये देखिएगा, यहां से कहानी स्टार्ट होती है जहां पे हम कोर टीम मेकिंग की बात करते हैं। आपके पास बेतहाशा लोग हो जाते हैं एट टाइम्स नेटवर्क में, एट टाइम्स लोग आपको अप्रोच करते हैं, आप उनको राइट वे में रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकते। आपके पास इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कस्टमर का, कंज्यूमर का, कोर टीम का डेटा बेस रखें, सारे लोगों से बातचीत करें, अपना इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करें, उनकी बात करें आप, ठीक है। और फिर जब उनका इंटरेस्ट आप सुनते हैं और आपको उनके अंदर टैलेंटेड लोग नजर आते हैं जिनमें पैशन आगे बढ़ने का, उनकी एक अलग टीम बना लें, और वो टीम आपकी कोर टीम कहलाती है, जो कि आप अपने सारे के सारे रिक्रूट में से ढूंढ सकते हैं। फिर आप उनके गोल सेट करें। गोल सेट करने का तरीकेकार ये नहीं होता कि आपने उनको क्या 100 बीपी का ऑर्डर लिया, 200 बीपी का ऑर्डर लाना, लो जी तुम्हारा बीपीएस सेशन मैंने कर दिया है और तुमने अब अगले महीने 300 बीपी का ऑर्डर लाना है, इसी तरह तुम ग्रो करो। यू डोंट डू दैट। आप गोल सेट करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको एक प्रॉपर वे दिखाया था, जिसमें उनका ख्वाब होता है। जैसे मेरे पास, मैंने लाइव एग्जांपल ली थी अपनी गोल सेटिंग की ट्रेनिंग में, हमारे पास एक पार्टिसिपेंट थी, मैंने उनसे पूछा था वो क्या अचीव करना चाहती है। एक ने मुझे बताया मैं ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहती हूँ, एक ने मुझे बताया कि वो 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की इनकम को टच करना चाहती है। फिर हमने उनके लिए वर्क किया, हमने कहा कब तक? 1 साल तक, ठीक है, वो कहती है। फिर हमने कहा कि 1 साल के अंदर आपको क्या चीज अचीव करनी है जो आपकी 1 लाख रुपए की इनकम होगी। फिर हमने देखा 5-6 कोर टीम मेंबर्स हो, या फिर आपके पास 20, 3 और 6% वाले लोग हो, तो आप 21% पे चले जाएंगे और आपका कमीशन ही 1 लाख रुपए का बन जाएगा, इससे ज्यादा बन जाएगा। हमने उसके, फिर हमने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए, फिर हमने देखा हमने मंथली बेसिस पे क्या करना है, फिर हमने ये भी देखा हमने वीकली बेसिस पे क्या करना है, और साथ साथ हमने देखा कि डेली बेसिस पे क्या करना है। सो गोल सेटिंग इस तरह होती है कि आप प्रॉपरली उनके ख्वाब को ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज नॉट ईजी। ये काम करने के लिए आपको बहुत नॉलेज और साफ नीयत चाहिए, और ये आपके साथ लर्निंग आपको जैसे जैसे मिलेगी, आपको जैसे जैसे ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उनको सीखने की कोशिश करो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास इस टाइम तकरीबन 70 लोग हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई चीज सीखते हैं ना, नई चीज सीखते हैं, तो उसको सीखने के लिए ना सीखें, उसको सिखाने के लिए आगे सीखें, तब आप सही तरीके से चीज को सीख सकेंगे। अदरवाइज आप लोग चीज सुनेंगे, आप कहेंगे लो जी मैंने ये ट्रेनिंग ले ली है और मैंने लर्निंग कर ली है, दैट्स इट। इट डजंट हैपन लाइक दिस। आपने आगे जब तक टीच नहीं करेंगे, आगे जब डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, तब तक वो वेस्ट है। आप 1000 बुक्स पढ़ लें, आप स्कॉलर बन जाएं, आपका तब तक किसी को कोई फायदा नहीं होगा या आपके नॉलेज का फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको आगे शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने 2000 बुक्स सारी जिंदगी पढ़ते रहे और इवेंचुअली हर बंदे की डेथ होनी है, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि हर चीज ने एंड होना है, ठीक है, तो आपका 2000 बुक्स पढ़ी हुई जाया हो गई। आप समझ रहे हैं, यू नीड टू पास ऑन द नॉलेज एंड दैट इज द पर्पज ऑफ नॉलेज। और इसी तरह नॉलेज ज्यादा होता है, लिहाजा अपनी जो भी चीजें सीख रहे हैं इनको आगे सिखाने की नीयत से सीख रहे हैं। अच्छा, अब हमने गोल सेटिंग की बात की और ड्रीम कनेक्शन की बात की, फिर हम आगे फॉलो अप पे। अब फॉलो अप का भी तरीका होता है, ओरिफ्लेम हमें बताता है फॉलो अप का क्या तरीका है, ओरिफ्लेम हमें बताता है कि गोल सेट कैसे होने हैं, ओरिफ्लेम हमें कोर टीम के बारे में बताता है। इन सबकी अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। जो फॉलो अप है ना आपका, वो हम कहते हैं कि आपका मंथ में 3 दफा होना चाहिए बिजनेस के ऊपर। स्टार्ट मंथ के अंदर ऑफ कोर्स आप बात करते हैं, और उसके बाद आप मिड मंथ में, और फिर एंड मंथ में आप 1 वीक लास्ट वीक में 4-5-6 दिन पहले क्लोजिंग से भी अपनी टीम के साथ फॉलो अप कर रहे होते हैं, जिसमें आप बिजनेस डिस्कस करते हैं। फॉलो अप ये नहीं होता कि आप 4 दिन बाद कॉल करके देखें, हाँ भाई कोई ऑर्डर आया, तुम्हारा अभी तक ऑर्डर नहीं आया, क्या मसला आ रहा है ये वो, ठीक है। यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू जस्ट मेक प्लेटफॉर्म फॉर पीपल।
आप उनको गाइड करते हैं कि उन्होंने कैसे, जैसे नए लोगों को आपने ट्रीट डिफरेंटली करना है, जो आपकी कोर टीम का हिस्सा और बाकी के लोग हैं, फिर आप उनसे मीटिंग्स करते हैं, आप उनसे बीपीएस सेशन करते हैं, आप इकट्ठे बैठ के प्लानिंग करते हैं अपनी कोर टीम के साथ, आप में ये चीज आ जाए कि आप इकट्ठे बैठ के काम करें तो आप अपने काम को इंजॉय भी करेंगे और साथ साथ नहीं पैदा हो जाएगी। तो अब बात विद दैट कि आप अगर अपनी रिकॉर्डिंग या आप अपना को व्हाट्सएप पे मैसेज रोटेट करते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप फोन पे जरूर बात करें, क्योंकि इंटरेक्शन बेस्ट वो होती है जो कि टू वे हो, ठीक है, जिसके अंदर दूसरे लोग भी बात कर सकें, स्पेशली अगर ऑडियंस एक दो लोगों की है तो आप उनसे टू वे बात करें, उनको बात करने का मौका दें, फिर असल आपका मसला हल होगा, कंसर्न पता चलेगा, और फिर आप जो चीजें प्रैक्टिसेस फॉलो करें अपनी टीम को बताएं और उनको बताएं मैंने ये प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं, यहां यहां मुझे बड़ी मुश्किल आई है, अगर ये करोगे काम तो इसमें मुश्किल आएगी, अगर इस तरीके से जाओगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी, मुझे 2 साल लगे हैं कामयाब होने में या 1 साल लगा है कामयाब होने में, ये जो मैंने गोल सेट किया था, अगर मेरी लर्निंग को तुम यूटिलाइज करो तो आप उससे भी जल्दी कामयाब हो सकते हो, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन टेल योर टीम, आप उनको बता सकते हैं इसके बारे में कि वो आपकी प्रैक्टिसेस और आपकी जो लर्निंग्स है और जो आपका टाइम वेस्ट हुआ कुछ चीजों में वो कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, और साफ नीयत से बताइएगा, और ये उनका हक है कि आप उनको बताएं, मैंने आपको बताया था नॉलेज जो होता है ना उसको शेयर करना आपका फर्ज है और दूसरों के लिए वो हक है, ठीक है, तो आपने उसको जरूर शेयर करना है अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्निंग के लिए, दूसरों की लाइफ में आसानी पैदा करें, अगर आपने हार्ड वे में कोई चीज सीखी है तो जरूरी नहीं है दूसरा भी हार्ड वे में सीखे, ठीक है। अब मैं आई ऑब्जेक्ट दिस थिंकिंग एंड अप्रोच के जहां पे एक शख्स धक्के खा के सीखता है और वो कहता है ये भी धक्के खा के सीखे दूसरा भी, यू डोंट हैव टू डू दैट, बी काइंड टू पीपल, टेल देम कि दिस इज व्हाट हैपेंड, देन लेट देम पिक, अगर उन्होंने धक्के खा के सीखना दे विल चूज फॉर देमसेल्फ, लेकिन आपने अपना किरदार अदा कर दिया, तो अपनी लर्निंग्स अपनी टीम्स के साथ शेयर करें, क्या होगा डुप्लीकेशन होगी, आपके पास ऑल आपकी फर्स्ट टाइम के अंदर मैनेजर्स और हाई टाइटल के लोग आने शुरू कर देंगे, अब ये किरण का इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपना सीनियर मैनेजर का टाइटल को हासिल किया, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि 15%, 12%, 9% और 6% वाले 2 लोग हैं, इनके पास टोटल 5 लोग हैं, और नीचे इनकम कितनी लिखी हुई आ रही है, नीचे इनकम लिखी हुई आ रही है 107,100। अब ये 5 लोग इन्होंने फर्स्ट लाइन में किए थे, बाकी उन्होंने भी किरण की एफर्ट्स को डुप्लीकेट किया, लेकिन ये 5 लोग उन्होंने शायद 100 लोगों में से पिक किए थे या 200 लोगों में से पिक किए थे या 40-50 लोगों में से पिक किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई 5 लोगों के साथ 1 लाख की इनकम क्रॉस हो सकती है, व्हाट डू यू थिंक, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि 5 लोग अगर आपकी फर्स्ट लाइन में आए कोर टीम मेंबर हो, क्या 1 लाख रुपए की इनकम इंक्रीज हो सकती है, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम आ सकती है, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आगे देयर इज नो लिमिट ऑफ इनकम इन ओरिजिन, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल हो सकती है, थैंक यू वेरी मच मैन शान से, बिल्कुल हो सकती है, और ये जो आपको स्टैट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कमीशन बेसिकली, और ये एक्चुअली ऐसा ही है, वाकई अगर आपके पास सिर्फ 5 लोग काम करने वाले आ जाए जो कि आपकी एफर्ट्स को डुप्लीकेट कर रहे हैं, ये 5 की 5 आपकी स्प्लिट बनेगी, और अगर एक और स्प्लिट बन गई तो आप डायमंड डायरेक्टर बन जाएंगे, डायमंड कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, 2 टिकट्स उसके अंदर मिलती हैं, रास्ते में गोल्ड कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगी, उमरा पैकेज आपका वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, और बाकी की सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मैनेजर सेमिनार आपकी कब आप और आपकी टीम पूरी क्वालिफाई करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सारे के सारे पर्क्स आपको रास्ते में मिलेंगे पड़ेंगे, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होंगे अगर आप कोर टीम के साथ आगे जाते हैं। सो दिस इज व्हाट किरण डिड, और किरण को कामयाबी मिली और किरण सक्सेसफुल हुई। ऑन द अदर हैंड सबा, जो कि इतने ही अरसे में 21,000 की इनकम पे बैठी हुई थी, उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने ये किया था कि मोस्टली जो लोग करते हैं वही, सबा ने जो कि 12% के टाइटल पे जाके स्टक हो गई, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने, उनको पता था रिक्रूटमेंट आएगी तो कमीशन आएगी, उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया, रिक्रूटमेंट पे फोकस किया और फॉलो अप किया ऑर्डर्स के लिए, जबकि उन्होंने कोर टीम नहीं बनाई, उन्होंने ख्वाबों को कनेक्ट नहीं किया, उन्होंने लोगों की ख्वाबों को नहीं सुना और उन्होंने अपनी टीम से डुप्लीकेशन नहीं कराई, उन्होंने अपनी लिमिट सेट कर दी एक, जिसके बदले में उनको ये हुआ कि एक लकीली उनको मेंबर मिल गई जो कि 9% पे आ गई और उनसे उनकी कमीशन जनरेट होने लग गई 21,000 रुपए का उनका जो बन गया।
ठीक है जी। तो बताने का मकसद ये है आप सबको कि ये चीजें जो बीच में आपको अभी दरमियान में मिसिंग नजर आ रही हैं सभा के बारे में, वो फॉलो की थी किरण ने यहाँ पे। ये अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो किरण ने ये प्रैक्टिसेस को फॉलो किया था और राइट वे में किया, तो किरण सक्सेसफुल हो गई, जबकि सभा के केस में ये मिसिंग है। आप जरा गौर कीजिएगा, मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा, ना मुझे इसका जवाब चाहिए। जरा सोचिएगा, क्या आप लोग यही तो नहीं कर रहे कि आप खाली रिक्रूटमेंट पे फोकस कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग पे, और उसके बाद सिर्फ फॉलो अप कर रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को चेंज करें और कोर टीम मेकिंग की तरफ आए, गोल सेटिंग पे और प्रोफेशनल वे में काम करना शुरू करें, ऑर्गेनाइज करें अपने काम को। सारे लोग जितने भी आपके उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, नए लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, पुरानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, इन चीजों को आप सीखें, ठीक है, और फिर अप्लाई करें। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वंस अगेन सीखने की हद तक नहीं, सिखाने की हद तक। देखिएगा, अगर आप खाली रिक्रूटमेंट पे जाते हैं ना, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से और आप भी एग्री करेंगे कि रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको शुरू में इनकम ज्यादा होती है। आपने फर्स्ट लाइन में लोग ऐड करने शुरू कर दिए, आपका लेसर टाइटल, अगर आप 12% पे भी हैं तो आपको इनकम ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। 0% वाले से भी आप 2-3 हजार रुपया आपको कमीशन मिल सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका टाइटल क्या, 12 पे 18 पे 15 पे, उस लिहाज से आपको परसेंटेज उनके ऑर्डर पे मिल जाती है। 0-3% वाले से मिल जाती है आपको। तो शुरू में आपकी हमेशा इनकम रिक्रूटमेंट से ज्यादा होती है, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, आप सक्सेस प्लान में और टाइटल्स में नीचे रह जाते हैं। अगर आप खाली रिक्रूटमेंट पे फोकस करें, लोग आएंगे चले जाएंगे, अगर आप उनको सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे, अगर आप उनके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं क्रिएट करेंगे। आपके जितने भी लोग आते हैं उनको पता होना चाहिए कि आप उनकी केयर करते हैं। रिमेंबर, ट्राई टू केयर फॉर योर पीपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोर टीम की तरफ, रिक्रूटमेंट के साथ कोर टीम की तरफ आते हैं, तो हो सकता है शुरू में आपकी इनकम नीचे जाए। क्यों? क्योंकि आप उनकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आपका ज्यादा टाइम पैसे को बनाने में नहीं, आपको लोगों को डेवलप करने में स्पेंड हो रहा है, तो हो सकता है आपके कुछ ऑर्डर रह जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिनके जिनके वेलकम प्रोग्राम रह जाते हैं लोगों के, और उसके बाद वो लीडर बन जाते हैं। आप में से भी हो सकता है हमारे पास, अगर यहाँ पे कुछ सीनियर मैनेजर बैठे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उन्होंने पहले दूसरे मंथ के वेलकम प्रोग्राम को भी क्वालिफाई ना किया और वो सीनियर मैनेजर बन गए। आप समझ रहे हैं? सेम गोज इन दिस केस कि शुरू में कोर टीम मेकिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपकी इनकम में डिप आए, लेकिन इवेंचुअली आप सक्सेस प्लान में टॉप पे जाते हैं। और जब आप सक्सेस प्लान में नए टाइटल्स अचीव करते हैं, आपको कैश अवार्ड्स मिलते हैं, आपकी स्प्लिट्स आती है, बोनसेस मिलते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस को क्वालिफाई करते हैं, और आपकी डेफिनेटली इनकम भी इवेंचुअली ज्यादा हो जाती है जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, कोर टीम मेकिंग। जब आप उन पे काम करते हैं तो आपको टाइटल्स के साथ साथ पैसा, दोनों चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको शुरू में फोकस पैसा है तो भी आपको पैसा मिल जाता है इवेंचुअली इसके अंदर भी, लेकिन दिस इज द राइट वे टू डू दिस, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन बिकम द वन जो के सक्सेसफुल होता है लाइफ में। रिक्रूटमेंट आप करते हैं और आप अपनी कोर टीम मेकिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। नाउ दिस इज योर चॉइस, आपने कैसे आगे लेके जाना है चीजों को। मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ आज सीखा होगा, कोई ना कोई एक नया पॉइंट हो सकता है आपको मिला हो, लेकिन तब तक इसका फायदा नहीं होगा जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। वंस अगेन, सीखने की नीयत से नहीं सीखना, सिखाने की आगे नीयत से सीखना है, तब आपको फायदा होगा। अच्छा, यू आर राइट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, मैं बैकवर्ड यानी कि अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, पुराने मैसेजेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ जी। मिस्टेक होती है जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस कमेंट्स। कोर टीम कामयाबी दूसरा नेम है, बिल्कुल जबरदस्ती, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैम शान से, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं और क्वेश्चन हमारे पास जो आए हुए हैं, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ जी। उनकी टीम बिल्डिंग अच्छी है और एग्री विद यू, राइट, शेयर करना चाहिए मेंबर्स के साथ, बिल्कुल ठीक है। आपके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ जो लिखे हैं, मैम मरियम ने लिखा है, यस सर आई एग्री विद यू, मैम शांजा ने लिखा है, बिल्कुल जी एग्री, शेयर करना चाहिए जी, कन्वे योर मीटिंग सो मैनी लर्नर टू मैनी लर्नर्स, जबरदस्त जी, एग्जैक्टली एग्री, आई एम डूइंग अपनी टीम के लिए करती हूँ जी। मैम हमारा ने लिखा है, जबरदस्त आप कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम न्यू हेयर टू, मैम शांजा ने लिखा हुआ है जी, लेकिन यू आर एट द हाई लेवल, ठीक है, हा हा हा, दैट्स अ मोरल स्टोरी, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक फॉर द स्टोरी। फिर मैम रिफत ने लिखा हुआ है जी, सलाम सर, मेंबर ज्वाइन करें और वर्क करते हैं इसके लिए कुछ टिप्स बता दें। मेजोरिटी ओरिफ्लेम का नाम सुनते ही
मना कर देते हैं। अच्छा जी मैम रिफत, आपको इसके ऊपर थोड़ी सी मैं ब्रीफ टिप बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आता है। प्रॉब्लम ये आता है जब लोग सीखे बगैर, ओरिफ्लेम को जाने बगैर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करते हैं ना, तो राइट मैसेज कन्वे नहीं होता। इसकी वजह से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, फिर उनका एक्सपीरियंस ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लोग मैसिव लेवल पे नए लोगों को टच करते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, क्योंकि सीखे बगैर आगे कोई सिखाएगा तो वो गलत सिखा देगा, एक्सपीरियंस बैड हो जाएगा। इसलिए शायद वो आपको नाम सुनते ही मना कर देते हैं, उनका पास्ट में कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है। लेकिन इन एक्चुअल आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ओरिफ्लेम में अगर आप एज पर गाइडलाइंस जाते हैं तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। किसी को झूठे ख्वाब दिखाना, गलत पिक्चर दिखाना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, ये गलत चीजें हैं। आप समझ रहे हैं, इससे लोगों को बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब आप राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, लोगों के मसले की बात करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कंज्यूमर भी आपका लॉयल हो जाएगा और वो आपके साथ कनेक्टेड भी होगा। कल को हो सकता है वो आपकी कोर्टिंग का हिस्सा भी बन जाए, आपके बिजनेस में भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपने करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जो लोग काम नहीं करते, कभी भी आपके लिए कोई काम नहीं करेगा मैम रिफत, ये मैं आपको बता दूं, लोग अपने लिए काम करते हैं। लिहाजा टॉक अबाउट पीपल, उनके ख्वाब को बताएं। आप वो कहते हैं ना, कान को सीधे पकड़े या उल्टे पकड़े, आप पकड़ कान ही रहे हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन व्हाई डोंट यू शो देम कि उनको क्या मिल रहा है। उनको भी वही सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपके लोगों को जो आपको मिल रहे हैं। आप समझ रहे, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज लीडर को नहीं मिलती जो कि कंसल्टेंट या उनकी डाउनलाइन में कोई शख्स नहीं कर सकता। न्यू ज्वाइनर हर वो बेनिफिट के लिए एलिजिबल है जो कि कोई एक पुराना लीडर हासिल कर रहा है। ठीक है, तो आप उनको बताएं उनका बेनिफिट क्या है। टॉक अबाउट देयर ड्रीम, डू नॉट टॉक अबाउट कि आपका बिजनेस आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। टेल देम, शो देम द स्कोप, ऑटोमेटिकली लोग काम करेंगे। जो नहीं करेगा उनके ऊपर वेस्ट ना करें। कुछ लोग अपने लिए कभी कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में, उनके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। फाइंड राइट पीपल, उनको सही तरीके से सीख के सिखाएं, आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सर टीम बनाने की एनर्जेटिक फॉर्मूला बताइए, जैसे लोग फर्स्ट टाइम में अट्रैक्ट हो जाए और उनके पास इनकार करने का कोई मौका ना हो। अब मैम रमेशा, आपने जो क्वेश्चन किया ना या बात करी है, कोई ऐसा मैजिकल टेक्निक मैं आपको सिखा दूं जिससे आप जिसको को बात करें वो इनकार ना कर सके, तो मैं आपको सिखा देता हूं। मैम रमेशा, आप इसको अगर समझने की ताकत और हौसला रखती हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू दैट मैजिकल ट्रिप, वो जो मैजिकल ट्रिप है वो ये है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम स्टार्ट कर दें। जिस दिन आप की पर्सनल ब्रांडिंग का ये लेवल हो जाएगा कि लोग आपको आके खुद पूछेंगे कि आप क्या करती हैं, वो आपकी बात आप किसी भी नए शख्स से करेंगे तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकेगा। जब वो आपके सक्सेस को देखेगा, जब वो आपकी मोटिवेशन को देखेगा, जब वो आपके चेहरे पे स्माइल को देखेगा, जब वो आपकी लाइफ में खुशियां देखेगा, जब वो देखेगा कि आपका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपकी बात को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकेगा। मैम रमेशा, ये सारी चीजें रिप्यूट से मिलती हैं आपको, रेपुटेशन से मिलती हैं। जो भी कोई काम करे उसको दिल से करे। ठीक है, आप जब दिल से काम करते हैं, आप साफ नीयत से काम करते हैं, आपको उसका सिला मिलता है मुख्तलिफ तरीके से। आप कोई काम दुनिया का, आप खाना बना लें चले, आप कुकिंग कर लें, आप कोई वैसे चीज बना लें, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर लें, जब तक आपके इमोशंस उसमें नहीं होंगे, जब तक आपका दिल उसमें नहीं होगा, दिल वैसे तो इटसेल्फ इज अ पंप, लेकिन जब तक आप नीयत से काम नहीं करेंगे, खुशी से काम नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा मैम हमेशा। और जब आपने करना शुरू कर दिया, आप सिर्फ अपने चेहरे पे स्माइल लें और आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर दें, यकीन करें लोग क्यूरियस हो जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे, वो लोग सोचना शुरू कर देंगे यार आप इतने खुश क्यों हैं। ठीक है, आप ओरिफ्लेम, फिर लोग पूछेंगे आपसे आप करते क्या हैं, यानी कि व्हेन यू आर हैप्पी इन लाइफ, व्हेन यू टॉक पॉजिटिव इन लाइफ, तो लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं यार आप क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, अच्छा आपके बच्चे, अच्छा आपके पास क्या क्या है। फिर जब आप उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताएंगे, लोग ऑटोमेटिकली जोन से वो आके आपको आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। देर आर पीपल, अपनी रेपुटेशन की वजह से लोग अपने पास से जाके उनको लाखों रुपया दे देते हैं कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। आप तो उनसे एक रुपया नहीं ले रही, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन पीपल ज्वाइन देम। तो आपने अपनी रेपुटेशन ऐसे करनी है, आपको ऑटोमेटिकली मैजिकल रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक मेरे पास और क्वेश्चन है जी, उसकी तरफ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऑल सर, कस्टमर मिलते हैं क्या? अपने पहले मीटिंग में बोला था कि आप लोगों से बात करो और उन्हें बताओ कि लोग पूछते हैं, प्राइस सुन के चले जाते हैं फिर। अच्छा देखिएगा जी, आप डिपेंड करता है मैम हुमैरा कि आप किन लोगों को प्राइस बता रही हैं, प्रोडक्ट पिच कर रही हैं।
मैम मेरा आप डायरेक्टली कभी भी हर एक को जाके ओरिफ्लेम की स्किन केयर रूटीन नहीं बता सकते, ठीक है? यू नीड टू सी कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करते हैं. यू डू नॉट टेल देम कि आपको क्या चीज पसंद है या आपके पास क्या चीज अवेलेबल है. यू आस्क देयर इंटरेस्ट, आप उनसे पूछें कि वो क्या चीज इस्तेमाल करते हैं. हमारा डामा का सेल्स का रूल है, आगे हो सकता है मेरी फ्यूचर में ट्रेनिंग भी आए इसके ऊपर, डू अटेंड दैट ट्रेनिंग सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर, आपको बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला उसमें सीखने को मिलेंगी अल्लाह ने चाहा तो. सेकेंडली जो उनसे आप लोगों के इंटरेस्ट की बात करें, टॉक अबाउट देम सेल्स, उनको बताएं. यू नीड टू जस्टिफाई. मैं आपको सिंपल रूल बता रहा हूँ, प्लीज आप में से किसी ने इस चीज को माइंड नहीं करना, लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ. आपने जहां से इस फैक्ट को देखना है आप देख लें, वेरीफाई करना है वेरीफाई कर लें. जब भी कोई शख्स आपसे बात करता है तो सबसे पहले वो आपको एनालाइज करता है, आपके इंटरेस्ट और आपके बात करने के तरीके को देखता है, आपको देखता है, उसके बाद जो चीज आप उसको ऑफर कर रहे हैं उसकी तरफ आता है. लिहाजा अगर आपको कोई शख्स डिनाई कर रहा है तो देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट. आइदर आपकी अप्रोच गलत है, आइदर आपने ठीक बंदे को नहीं टारगेट किया, या आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, या आपकी अप्रोच से मुराद ये है कि उसके इंटरेस्ट की आप बात ही नहीं कर रही हैं, आप अपने इंटरेस्ट की बात कर रही हैं. व्हाई वुड यू कम हियर अटेंड दिस ट्रेनिंग सेशन? इज इट बिकॉज ऑफ मी? आप मुझे पर्सनली जानते हैं? आर यू हियर टू हेल्प मी? नो, दिस इज अ फैक्ट कि यू आर हियर फॉर योर सेल्फ. आप इस चीज को सीखने के लिए यहां पे आए हुए हैं कि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो सके. सेम गोज फॉर एवरीबॉडी. Why am I doing this? Because I am an employee of a company. And why do I do that? Because I have some moral values. Meri apni moral values hai, jiski wajah se main dil se cheezein sikhata hoon logon ko. So try to develop that skill. Try to develop those traits in yourself, jo ke aapko behtar kar sakte hai. Rather than you pretend it, you need to adopt it. मतलब ये कि आपको फेक करने की चीजें जरूरत नहीं है, आप अपने आप को उस तरीके से डेवलप कर लें, ठीक है? ट्राई टू टेक ऑन अ पॉजिटिव नोट जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ. हर शख्स का टॉप बेनिफिट उसका अपना बेनिफिट होता है. देर आर फ्यू पीपल जो कि शायद दूसरों के बेनिफिट के लिए बात कर रहे होते हैं और दिल से करते हैं, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम एज वेल, और दैट विल मेक यू और वंस यू बिकम अ लीडर, आपके पास लोग आएंगे भी, आपकी बात सुनेंगे भी, आपकी प्राइस सुन के वो चीजें रेडी हो जाएंगे. वो प्राइस की तरफ देखेंगे ही नहीं, वो आपको देख के वो प्रोडक्ट के ऊपर प्रेफर करेंगे. जब आप प्राइस बताते हैं ना तो आप साथ वैल्यू बताएंगे, वैल्यू क्या है, उसके फीचर्स बताएं, ठीक है? तो आपको ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? प्लीज मेरी बातों को पॉजिटिव और सीखने की नीयत से लीजिएगा. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हियर एनीबॉडी, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपकी आंखें ओपन हो, आप रियलिटी को देखें, और दिस वे यू कैन ग्रो. आप समझ रहे हैं, ऑल ऑफ यू, यू कैन ग्रो इन दिस, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मैं आपको किस नीयत से सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ चीजें. मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ओपन. अच्छा जी, अब यहाँ पे अमेजिंग मी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच. अब वंस अगेन मैं ये आगे जा रहा हूँ जी मैसेजेस की तरफ. कुछ और मैसेजेस मेरे पास 14 मैसेजेस आ चुके हैं, जिसके अंदर कुछ प्राइवेट में भी आगे में है, और ये काफी ज्यादा मैसेजेस आ गए. लेट्स सी, मैं जो मेरे पास समझ आते हैं क्वेश्चन उनकी तरफ जाता हूँ जी. कोर टीम को कैसे एक्टिव करना चाहिए अपने आप को लगाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. मैम ज़ारा, मेरी आपने कोर टीम ट्रेनिंग आ रही है, उसको अटेंड करना है. हम कोर टीम के बारे में बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है? इसके लिए यू नीड टू अटेंड दैट ट्रेनिंग. उसके बाद आगे इंशाल्लाह इन इनवाइट मोर फ्रेंड्स, श्योर डू दैट, लेकिन इन अ राइट वे में. मैम से भी आपने राइट वे में इसको करना है, उनको अप्रोच करना है या इन्वाइट करना है जी, और रिस्पॉन्ड करके एफर्ट्स ट्राई करते हैं. अच्छा, अगर टीम रिस्पॉन्ड ना करे आपकी एफर्ट्स पे, हर ट्राई करते होते भी देन. अच्छा, आपकी हर ट्राई करते हुए भी टीम रिस्पॉन्ड ना करे तो मैम यू नीड टू चेंज योर टीम, ठीक है? आपकी एक टीम कोई फिक्स नहीं हुई. यू कैन गो आउट एंड यू कैन फाइंड न्यू पीपल. आप समझ रहे हैं, एंड देर आर पीपल जो कि आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. आप समझ रहे हैं, अगर एक शख्स आपके पास इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रही, या उसको समझ आ गया, वो कहता नहीं जी मैं नहीं कर सकता, दैट इज द चॉइस ऑफ दैट पर्सन. You cannot force people, but you can give them this choice in a right way. तो आप उनको right way में choice दें, लेकिन make sure कीजिएगा आपका way right हो, ठीक है? वो यानी कि उनको कोई चीज mind ना करें, कोई चीज hurt ना उनके, उनको ऐसा feeling नहीं जाना चाहिए कि वो कहीं पे employ आ रहे हैं. They should know that they are the boss basically in Oriflame business. उनकी अपनी मर्जी है. Do not lose them,
बट फाइंड अनदर कोर टीम मेंबर. आपका वो कोर टीम का हिस्सा ही नहीं बन सकता जो रिस्पॉन्ड ना करे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट कोर टीम राइट नाउ. बाकी आपके कंज्यूमर कस्टमर और सेलर्स रहेंगे. कोर टीम विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड. चेंज इट अगर आपकी कोर टीम में रिस्पॉन्ड नहीं को कर रहा, दैट इज नॉट कॉल द कोर टीम बेसिकली. अजय सर ये बहुत कुछ सीखा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक. चीज ढूंढ रही हूँ आज डियर. ठीक करूंगी इंशाल्लाह. जबरदस्त जी. थैंक यू वेरी मच. दिस इज व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू डू ताकि आप लोगों का ग्रो कर सके आप लोग सब. ओरिफ्लेम ने जाते और कोई ऑर्डर भी नहीं लेता फिर. अच्छा ओरिफ्लेम के नाम से डर जाते. इसके बारे में ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ पहले भी. और ये वही रिपीटेड क्वेश्चन था. तो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा. फेसबुक पे काफी लोग मिलते हैं कहते हैं कि नो ओरिफ्लेम. उसकी वजह है ना मैम मारिया, आप फेसबुक को सर्च करें, ओरिफ्लेम सर्च करें. हर रोज हम लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं, और फिर भी ओरिफ्लेम का नाम यूज हो रहा है. लोग ओरिफ्लेम का नाम यूज कर रहे हैं. देखिएगा मैम नहीद आपका ये बड़ा अच्छा. सॉरी मैम नंबरीन किसका क्वेश्चन था? सॉरी ये मैम मारिया का. मैम मारिया का क्वेश्चन था जी ये कि लोग फेसबुक पे मिलते हैं और फिर वो ओरिफ्लेम का नाम सुन के नो कर देते हैं. मैम मारिया देखिएगा आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है. आप फेसबुक को डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, मैं डिफरेंट तरीके से यूज करूंगा. ठीक है? और मैं नहीं कह रहा कि आपका बेहतर है या मेरा बेहतर है, लेकिन हमारा वे डिफरेंट है, हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी. इसी तरह ओरिफ्लेम में 20,000 से ज्यादा लोग हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल आप फेसबुक को यूज कर रहे हैं. जब थाउजेंड्स ऑफ लोग फेसबुक को यूज करेंगे और सारे के सारे ओरिफ्लेम के नाम को यूज करेंगे, वो इमेज डिफरेंट क्रिएट करेंगे. मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक फेक इमेज लगाया हुआ था किसी ने बिफोर एंड आफ्टर का. जो शख्स देखेगा उसको क्या इसका इंप्रेशन जाएगा? और साथ आपने डिफरेंट एक प्रोडक्ट ओरिफ्लेम की लगा दिया साथ, तो पीपल विल से नो इट्स लुक्स अनरियल ना. तो आपको राइट वे में फेसबुक पे काम करना है. इसका मिलके हमने इमेज अच्छा क्रिएट करना है. इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो उनसे नाम कहीं पे भी मैं अगर खराब प्रमोट करूंगा ना ओरिफ्लेम, मैं मारिया आपका ओरिफ्लेम खराब हो जाएगा. आप समझ रही हैं? लोग आपकी बात भी नहीं सुनेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको प्रमोट कर दिया लोगों में इन अ बैड वे. ठीक है? और मैंने अजीब इंप्रेशन क्रिएट कर दिया लोगों को उसका. नाउ जब आप अच्छे तरीके से करेंगे नहीं होगा. इसलिए वी टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग. आप पर्सनल ब्रांडिंग पे जाएं. डू नॉट पब्लिसाइज इन अ रॉन्ग वे कि आप ओरिफ्लेम को इस तरीके से आप पब्लिसाइज ना करें, इस तरीके से इमेजेस ना क्रिएट करें उसके जो कि आपकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है. लर्न द गाइडलाइंस के कैसे फेसबुक को यूज करना. सब इसको यूज सीखे और फिर इसको यूटिलाइज करें. हमारी जो डिजिटल ट्रेनिंग्स है उनको अटेंड करें, देखें, सीखें, बेसिक्स एटलीस्ट सीख लें ताकि किसी को नुकसान ना हो. बेसिक सीखने का ये फायदा होगा कि किसी को नुकसान नहीं होगा इसका. तो आई अंडरस्टैंड विद यू. लेकिन मैम मारिया एट द सेम टाइम ऐसा हो नहीं सकता हर बंदा ओरिफ्लेम को नो के, क्योंकि देर आर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको ओरिफ्लेम के बारे में पाकिस्तान में पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग है. ये शॉप पे सामान ही नहीं पड़ा होता. यू कैन टारगेट न्यू पीपल. फेसबुक प्रमोशन की ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा जिसमें आप थाउजेंड ऑफ नए लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनको शायद ओरिफ्लेम का नाम भी जिन्होंने ना सुना. तो देर आर वेज वो आपको कभी भी नो नहीं करेंगे. अगर आप राइट वे में उनको अप्रोच करेंगे दे विल बी क्यूरियस एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस. ठीक है? अच्छा जी फिर आ गया जी मेंबर को लेते हैं. 30 पोस्ट लगाओ 4 का रिप्लाई आएगा. सर अभी मेंबर कोई भी ज्वाइन नहीं करता. 30 पोस्ट लगाओ. आप पोस्ट कौन सी लगा रही हैं मैम नंबरीन? यू नीड टू, आपने 30 पोस्ट नहीं लगानी. आप मेंबर्स को एडवर्टाइज नहीं करते. यू आर एडवर्टाइजिंग इन अ रॉन्ग वे. आप इसको सीखे राइट वे क्या होता है. मैम नंबरीन अगर मैंने अपनी अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को देनी है ना, तो सबसे पहले मैं टारगेट मार्केट देखूँ. मैं देखूंगा कि मेरी टारगेट मार्केट कौन सी है, फिर उनका इंटरेस्ट क्या है. एक वर्किंग मदर के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकती है, उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी. जिसने सुबह 9 बजे उठ के जाना है, सिंगल मदर है लेट्स से, उसने सुबह वर्किंग जॉब पे जाना है और वो ऑलरेडी जॉब कर रही है लेट्स से, ये मेरी इस टाइम टारगेट मार्केट है. और वो जॉब पे जा रही है और अपने बच्चे को इन द मेन वाइल किसी डे केयर होता है वहां पे भेज रही है. ठीक है? और उसके बाद वो वापस आती हैं और फिर अपने बच्चे की केयर करती हैं. सारा दिन शाम को 6-7 बजे ऑफिस का काम करके फुल टाइम करके आती हैं और अर्निंग कर रही हैं थोड़ी बहुत, और अपने बच्चे का टाइम भी, डे केयर को भी पैसे दे रही हैं और साथ बच्चा भी गैप क्रिएट हो रहा है. उनके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? क्या पैसा होगी? नहीं होगी. उनकी टॉप प्रायोरिटी है टाइम. उनको आप ऑफर करें टाइम. उनको कहें यू कैन सेव योर टाइम, यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली नाउ.
यू कैन हैव फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. उन लोगों को आपने अप्रोच करना है, उन लोगों को आपने ऑफर करना है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का. इसी तरह जो रिटायर्ड लोग होते हैं, अगर आप उनको इस तरह की ऑप्शन देते हैं तो शायद वो इसमें इंटरेस्टेड हो जाए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर डायरेक्ट. क्यों? क्योंकि दे आर रिटायर्ड, दे आर फाइंडिंग सम अपॉर्चुनिटी. यू नीड टू फर्स्ट नो योर टारगेट ऑडियंस, फिर उसके लिहाज से डिजाइन करें, स्टडी करें. मार्केटिंग को थोड़ा स्टडी करके आप करें, थोड़ा सा पढ़ के सीख के फिर करें, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा. 30 एड लगा लें आप, 200 एड लगा लें, वो जो चार लोग आ रहे हैं वो भी हो सकता है चले जाए, हो सकता है आपको मजबूरी में कोई ज्वाइन कर ले. पीपल जो कि लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, यू नीड पीपल जो कि लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, जो कि एम्बिशियस है, नोट के मजबूर लोग. आप समझ रहे हैं, आपने उनको जिंदगी में हैप्पीनेस प्रोवाइड करनी है, उनको अपग्रेड करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि मजबूर लोग ज्वाइन ही ना करें, ऑफ कोर्स दे यू नीड टू आल्सो कन्वे द मैसेज इन अ राइट वे. आप समझ रही हैं? आई होप मैंने आपको थोड़ा सा इसका आंसर दिया है. लेकिन आपने अब नेक्स्ट ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा आप, और उसके अंदर आप ये देखिएगा कि राइट वे में प्रमोशन कैसे होती है, सीखने की कोशिश करें. आई मिस फर्स्ट पार्ट जी, रिपीट कर, दोबारा रिपीट. अब मेरा ट्रेनिंग का टाइम अभी एक्सटेंड हो गया है, मेरी एक नई ट्रेनिंग है बेसिकली, अभी थोड़ी देर बाद आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एज वेल, तो ये काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है. मैं आपके 2-3-4 क्वेश्चन जो और आए हुए हैं वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे. और यहाँ पे मेरे पास 59 न्यू मैसेजेस अभी और आ चुके हैं, तो वो अब मैं सारे के सारे आपके अनफॉर्चुनेटली चाहने के बावजूद, मेरा दिल कर रहा है आपके सारे आंसर करूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकूंगा. लेकिन ये अब नेक्स्ट 2 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं एड्रेस कर दूंगा इस क्वेश्चन के बाद. बाकी के प्लीज डू नॉट माइंड, आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी आके ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? आज की बेस्ट थी जी, थैंक यू वेरी मच जी. और इसम का माशाल्लाह भी अच्छा होगा इंशाल्लाह जी. और उसके बाद आ गया जी, मेरे फेसबुक से इंस्टाग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह 4 मेंबर्स बन गए, जबरदस्त. दैट इज एन अचीवमेंट, दैट इज हाउ यू स्टार्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट, वेरी गुड मैम मरियम. अच्छा जी, राइट जी, आगे जी, प्रोडक्ट कामयाबी मिल गई. कामयाबी इसलिए एक्टिव इफेक्टिव है सर, ट्रस्ट है, कामयाबी है. जबरदस्त जी, जबरदस्त. लोग जो उन्होंने चाहते हैं अपनी आईडी वगैरह देने से डरते हैं, तो आप उनसे आईडी ना लें. अनीस आपका क्वेश्चन है कि वो अपनी आईडी देने से डरते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं लेकिन आईडी देने से डरते हैं. अनीसा, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं अपना, बल्कि आप V4 लॉगिन अपना करें, या आप अपना जो उनसा बिजनेस ऐप ओपन करें उसे लिंक उनको भेज दें. सिंपल, उनसे इस लिंक के थ्रू वो डिटेल अपडेट करें, उनको उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी. व्हाई डू यू हैव टू टेक देयर आईडी कार्ड? डोंट टेक देयर आईडी कार्ड. उनको कहें कि आप यहाँ पे अपलोड करें और उसके बाद उनका एक्टिव हो जाएगा और वो आपकी डाउनलाइन में भी आ जाएंगे. आई होप आपको पता है कि आप वेबसाइट से रिक्रूटमेंट विजिट में जाके सोशल मीडिया के ऊपर अपना लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं, जिसपे क्लिक करके कोई भी अगर ज्वाइन करेगा वो आपकी डाउनलाइन में आ जाएगा. ठीक हो गया? दिस इज व्हाट यू कैन डू एज वेल. अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर नाइस कमेंट्स, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक, फॉर ऑल योर प्राइवेट मैसेजेस एंड एवरीथिंग. और मेरी माजरत है कि मैं आप सब लोगों को, आपके अभी भी क्वेश्चन बेतहाशा मेरे पास आ चुके हैं, उनको एड्रेस नहीं अनफॉर्चुनेटली कर सकूंगा. लेकिन कीप कमिंग इन द ट्रेनिंग, इंशाल्लाह ताला आपके आहिस्ता आहिस्ता आपको हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू लक, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता करे. आमीन जी, आमीन. टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़. आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. थैंक यू जी, थैंक यू.